टी टाइम स्नैक और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन सूजी और आलू के फिंगर्स। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सूजी और आलू के फिंगर्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले मैंने आधा कप सूजी ली है, 90 ग्राम, और इसके साथ मैंने आधा कप पानी लिया है। ये बड़े साइज़ का कप है, तो फिर आप बाज़ लोग कहते हैं कि आधा कप तो नहीं था, आधे कप से कम था, तो ये आधा कप ही पानी है। और एमएल्स में मैं बता दूं आपको, 125 ml, 125 ml ये पानी है, बॉयलिंग वाटर है। चूल्हे पे पानी गर्म होने के लिए रखा, जैसे ही उसमें उबाल आया तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये पानी ले लिया है। और इसमें मैं 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, और अब मैं इसको सूजी में ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके 3-4 मिनट के लिए रख दूंगी। 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, ग्राम्स में ये तकरीबन 300 ग्राम है, और उनको उबाल लिया है, उबाल कर छील लिया है, और अब मैं इसको कश कर लूँगी। सब आलूओं को मैंने कश कर लिया है, अब इनको मैं एक साइड पे रखूँगी, और सूजी जो मैंने पानी में भिगो के रखी थी वो भी सेट हो चुकी है। तो अब इसको मैं चम्मच की मदद से मसल लूँगी, या हाथ की मदद से भी आप इसको मसल सकते हैं, ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और जो सूजी के दाने होते हैं वो फूल के बिल्कुल नरम हो चुके हैं, तो इस तरह से मसलने से वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। सूजी को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है, बिल्कुल जो है तैयार हो चुकी है आलू के अंदर जाने के लिए। तो अब मैं इसको आलू में डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च ये डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा कप मैंने बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है, ये इसमें डाल दूंगी। और अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें बारीक चॉप करके हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लूँगी। हाथों से चिपकने से रोकने के लिए हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इसको सेट करेंगे। तो जो हाथों पे चिपक रहा था उस पे ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह सेट कर लिया है, और ये देखिए ये इस तरह से बनके तैयार हो चुका है। तो अब हाथ पे ऑयल लगाते हुए हाथ अच्छी तरह ऑयल लगा लेंगे, और इसमें से थोड़ा सा लेके और उसकी स्टिक बना लेंगे। आप इसको चाहे तो बड़ी लंबी बना लें, चाहे तो छोटी बना लें, इस तरह से स्टिक्स बना लेंगे सारी। और बस इसको बनाते जाएंगे और साथ साथ इसको फ्राई होने के लिए डालते जाएंगे। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, और ऑयल हमें मीडियम हाई चाहिए इसके लिए गर्म। बस थोड़ी सी 4-5 बन जाएं एक बैच के लिए, तो मैं इनको फ्राइंग के लिए डाल दूंगी, और फिर बाकी साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ डालते जाएंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है, अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। इनको हमें एक साथ बहुत सारी नहीं डालनी है, वरना वो आपस में चिपक जाएंगी। थोड़ी सी डालेंगे वो जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगी, इसको निकालेंगे और फिर बाद में दूसरा बैच डालेंगे। ऐसे ही ये लगेगा कि थोड़ी सी कुक हो गई हैं, तो साइड में जो जगह बनेगी वहाँ हम और बना के डाल देंगे, क्योंकि जब कच्ची होती हैं तो चिपकने का डर होता है। और जो इसमें से गोल्डन ब्राउन होती जाएगी उसको निकालती जाएंगे, और साथ साथ जैसे ही बाकी सब गोल्डन ब्राउन होगी उनको भी निकाल लेंगे।
जो पहले फ्राई होने के लिए डाली थी वो अच्छी सी गोल्डन हो चुकी हैं, तो उनको मैं निकाल लूँगी। और ऐसी चीज़ें जिनको आप क्रिस्पी रखना चाहते हैं उनको आप एब्जॉर्बेंट पेपर या टिश्यू पे मत रखें, इस तरह से कोई छलनी, कोई जाली स्टैंड, कोई इस तरह की चीज़ ले लीजिए और उसमें रखेंगे तो सारा ऑयल भी निकल जाएगा और उसकी क्रिस्पीनेस भी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, वैसे ही क्रिस्पी क्रंची रहेगा। और इनको आप बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये पकने के बाद थोड़ा सा फूलती हैं, तो इस तरह से थोड़े पतले साइज़ की बनाएं ताकि वो ज़्यादा क्रिस्पी बने। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपने पहला बैच फ्राई कर लिया है और दूसरी दफ़ा आप स्टिक्स को फ्राइंग के लिए डाल रहे हैं तो उससे पहले आपको ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने पहला फ्राई किया है तो वो फ्राई होने के आखिर तक टेम्परेचर ऑयल का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत तेज़ गर्म हो जाता है तेल, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए या तो आप थोड़ी देर चूल्हे की आंच बहुत लो कर दें या थोड़ी देर के लिए आप चूल्हे की आंच बंद कर दें और फिर उसके बाद दूसरा बैच जो है वो फ्राइंग के लिए डालें। बहुत मज़ेदार सूजी और आलू के फिंगर्स बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसको चाहे ऐसे ही सर्व करें, चाहे इसके ऊपर चाट मसाला छिड़कें और इसको और मज़ेदार और चटपटा बना लें। मैं ये आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये ऊपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट और मज़े का है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए, शाम की चाय के साथ बनाइए, मेहमान आ जाएँ तो चाय के साथ सर्व कीजिए। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की और बहुत आसान रेसिपी है। और आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।